हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं अपना प्रेइंग का रिफिलिंग दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए आया है। तो हम तो ऐसे टिश्यू टेप डालते हैं, इसलिए आप निकाल सकते हैं, नहीं तो ऊपर से भी इंक डाल सकते हैं, लेकिन अभी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रे ऐसा रखा हुआ है, उसमें क्या करते हैं ऐसा इंक डाल देते हैं। आपके पास जो भी है ना ब्लू, जो भी कलर का इंक ऑर्डर है, वैसा एक ट्रे लेना है प्लेन सा, और उसमें ऐसा डाल के रखना है। एक देखिए मैं डाल के रखा हूँ, क्योंकि उस टाइम मार के भी दिखाना था ना, इसलिए पहले मैं डाला हूँ। और अभी जो है ये सब तीन स्टैम्प और है, उसको कैसे कैसे करना है अभी देखा ना, स्क्रू ड्राइवर से हमने कैसे निकाला, और यहाँ ट्रे में ऐसा डाल देना है। ये बोतल में इंक ख़त्म हो गया, इसके लिए थोड़ा सा देर से आ रहा है। ओके, इसको ऐसा न गिरे नीचे करके ऐसा ले लेना है। इसको ऐसा रख दिया, और इसको उल्टा रखना है, जिधर से प्रिंट है ना, दिख रहा है क्लियर आपको, बैक साइड का नहीं, जिधर प्रिंट है उधर वैसा डाल दिया। ओके, अभी आपको एक दूसरा है वो भी दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। हाँ, एक और दिखाना है, देखिए क्या है। देखिए अभी कस्टमर ने भेजा है, इसको ऐसा है, ये आएगा ही नहीं इस टाइम। ये देखिए, वो ऐसा नहीं कि इंक ख़त्म हुआ है, वो पूरा अंदर है। इसको यहाँ से ना घुमाना है आपको इधर, अब देखो बाहर आएगा, अब देखो इंक आया। तो ऐसा ये सब भी चेक करना है आपको कि ये पूरा ओपन कैसा है, ठीक है। इसमें भी वैसा था, वो मैंने दिखा नहीं पाया। इसको भी आपको ऐसा करके इसको लेवल में लाना है। हाँ, अब सही है, ये देखो ये भी सही है। तो ये मारेंगे ना तो इंक ख़त्म हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसा स्क्रू ड्राइवर से नीचे ऐसा निकाल देंगे, और ऐसा इसको इंक में डुबो देना है। इसको एक घंटे आधे घंटे रखेंगे ना, पूरा इंक खींच लेता है। ज़्यादा देर रखने से ज़रूरत नहीं है, आपका इंक अच्छा रहेगा तो आधे घंटे में भी खींच लेता है, नहीं तो एक दो घंटे रखेंगे मस्त हो जाएगा पूरा एकदम, ये हो जाता है। ओके फ्रेंड, अब ये जगह नहीं है तो दिखता वैसे बैठता है कि नहीं बैठेगा, ठीक है। तो वो एक पहले वाला हो गया रहेगा, ये पहले से डाला हुआ था। ओके, इसको अभी इसे निकाल देंगे और वापस इसको थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। ओके, ये देखिए ऐसा वापस इसमें इंक डाला, और इसको उल्टा करके आपको इस पर रख देना है, वो इंक खींचेगा आराम से। तब तक जो पहले डाला था हमने, ये देखिए ऐसा टेप, टिश्यू टेप अभी भी इसमें गम है, तो एक फ़ायदा रहता है अपने को, दोबारा गम लेने का जरूरत नहीं, अब ऑलरेडी हो गया है। तो आपको क्या देखना है इस पर, और इसमें आपको पता है इधर जिधर खड्डा रहता है वो नीचे का साइड रहता है, और ये ऊपर का साइड रहता है, ऐसे चुपचाप वापस डाल देना है, और टिश्यू लेके साफ कर देना है। ये देखिए वापस क्या करना है आपको, इसको ऐसा प्रेस कर देना है। और ऐसे भी ये जो कटिंग फॉर्म हम बेचते हैं या जो भी कंपनी वाले बेचते हैं ना, वो इतना हार्ड रहता है कि नहीं निकलता, तो फेविक्विक वगैरह से मत डालिए, ऐसे भी हो जाता है। ये देखिए इंक अच्छा रहेगा ना आपका, तो फटक से रिफिल हो जाता है, और क्वालिटी देखिए इतना सार बीप, और जितना जूना होता है उतना अच्छा हो जाता है। ये देखिए एकदम क्लियर है। ओके, और समझो अगर हमको डाउट है कि और अगर इसमें ये चाहिए, तो फिर आपको इधर से और इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। ऐसे भी डाल देंगे ना ऊपर से थोड़ा, तो आपको वो इंक ले लेगा। ओके, अब दिखाता हूँ आपको वाइट बॉक्स का थोड़ा, एक सिर्फ एक मिनट के लिए, तो अभी तो आपको समझ में आओगे कैसे रिफिल करते हैं। एक तो ऐसे एक ट्रे में डाल के ऐसा, और एक ऐसा। ओके फ्रेंड, तो अभी मैं दूसरा दिखा देता हूँ आपको। ये अपना प्रिंट का है या वाइट बॉक्स जो भी हो, ऐसे पहले हम इधर से इंक डाल देते हैं। ओके, उसके बाद इसको बंद किया, उसके बाद ऐसा अंदर इंक डाल दिए, बस अभी हो गया। अब जितना भी इंक चाहिए आप उतना डाल सकते हैं इसमें। ओके, ये है प्री इंक का रिफिलिंग। ओके, तो अगर आपको इसमें और कुछ लगे तो आप मुझे आप कमेंट पे डाल सकते हो, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। ओके, इधर दिखाइए, बस। तो ऐसा ही आपको रिफिल करना है। थैंक यू, धन्यवाद।